हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप जितने भी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मॉडल्स में से हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में कैन की, कहाँ पे कैन को यूज़ करते हैं, क्या उसके यूजर्स होते हैं, क्या फार्मूला होता है कैन के बाद। आज हम बात करते हैं कुड के ऊपर। कुड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल मॉडल है जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ दिस कुड, अलग जगह पे अलग तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू करते हैं, कुड होता क्या है। देखिए, कुड कई कंडीशंस पे यूज़ होता है आपका जो कुड होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कुड की, तो आपकी सका, पाया, सकता था, एबिलिटी। जैसे कैन आपका होता है, कैन इज़ ऑल अबाउट एबिलिटी इन प्रेजेंट। तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, ये एबिलिटी मेरे अंदर है, ये कैपेबिलिटी मेरे अंदर है। आई कैन टीच यू मैथ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता था। अब यहाँ पे मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन अपनी एबिलिटी की बात कर रहा हूँ। वो पर्सन के पास पैसे थे, वो चाहता तो मेरी हेल्प कर सकता था। मतलब अगेन उसकी एबिलिटी की बात कर रहे हैं, बट पास्ट को लेके बात कर रहे हैं। सो जब हम एबिलिटी प्रेजेंट में बात करते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं। जब उसी एबिलिटी को हम पास्ट में मूव कर देते हैं तो फिर हम कुड का वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो ख़त्म होते हैं सका, पाया, सकता था, एट्सेट्रा। इन चीज़ों पे हमारे सेंटेंसेस ख़त्म होते हैं। तुम मेरी हेल्प कर सकते थे। दूसरा क्या होता है, जैसे कि मैं ये कर सका, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा पाया, मैं इंग्लिश पढ़ा सका, तो उस तरह से आपके सेंटेंस होंगे। फॉर्मूले पर बात कर लेते हैं। फॉर्मूला जो है, जैसा कि जनरल एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप सिंपल में सब्जेक्ट रखोगे, हेल्पिंग ऑफ कुड रखोगे, कुड के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। निगेटिव में कुड के बाद आप यहाँ पर नॉट लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव में कुड को पहले कर देंगे। डब्ल्यू एच का अगर कोई सेंटेंस है तो डब्ल्यू एच पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपके सेंटेंसेस होंगे। चलिए आगे बात करते हैं ट्रांसलेशन पे। सबसे पहला यूज़ जो है, इसके तीन तरह के यूज़ हैं। पहले यूज़ पे हमने बात करी और पहले यूज़ को हम ट्रांसलेट करके समझ लेते हैं। आई होप आप लोगों को प्रॉपरली विजिबल होगा बोर्ड। सो पहला सेंटेंस है, मैं उसकी मदद कर सका। ठीक है, अब मेरे अंदर एबिलिटी थी, मैं ये चीज़ कर सकता था, मैं उसकी मदद कर पाया, मैं उसकी मदद कर सका। तो आगे है आपका, मैं उसकी मदद कर सका, सिंपल सेंटेंस है। आए, अब यहाँ पे मदद करना है वर्ब, मैं कर सका, मैं बन जाऊँगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है आपका कुड, आई कुड, फिर हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है हमारी मदद करना, मदद करने की इंग्लिश आपकी होती है हेल्प। आई कुड हेल्प, किसकी मदद कर सका, उसकी। अगर वो कोई लड़की है तो हर, और अगर कोई लड़का है तो हिम। आई कुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प हिम। मैं उसकी मदद कर सका या मैं उसकी मदद कर पाया, आई कुड हेल्प हिम। नेक्स्ट है आपका निगेटिव, वह तुमको कॉल नहीं कर सकी। अब यहाँ पे उसकी एबिलिटी की बात कर रहे हैं कि वो ये चीज़ नहीं कर पाई, तो वो तुमको कॉल नहीं कर सकी, ये आपका हो जाएगा शी। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई कुड, उसके बाद हमें लगाना है नॉट, शी कुड नॉट। वर्ब क्या है, कॉल करना, शी कुड नॉट कॉल, किसे नहीं कर पाई, तुम्हें, यू। शी कुड नॉट कॉल यू, कुड नॉट को शॉर्टकट में आप कुडेंट भी बोलते हो, कुडेंट, शी कुडेंट कॉल यू। इंट्रोगेटिव है आपका, क्या तुम उस बात को भुला सके। अब यहाँ पे भी किसी की एबिलिटी की बात कर रहे हैं लेकिन पास्ट के रेफरेंस में, क्या तुम उसकी बातों को भुला सके। ओके, ये नॉर्मल इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले हम कुड को पहले यहाँ पे रख देंगे, कुड। फिर हमने लिखना है सब्जेक्ट, कुड यू। अब भुलाना यहाँ पे वर्ब है, भुलाने की इंग्लिश होती है फॉरगेट। कुड यू फॉरगेट उसकी बात, कुड यू फॉरगेट हर। अब बात के लिए आप वर्ड्स लिख सकते हो, टॉपिक लिख सकते हो, ठीक है। एडिशनली अगर आपके माइंड में कोई वर्ड है आप वो भी लिख सकते हो। कुड यू फॉरगेट हर वर्ड्स, कुड यू फॉरगेट हर टॉपिक, कुड यू फॉरगेट हर मैटर। इस तरह से आपका ये सेंटेंस भी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पहला कुड का जो यूज़ होता है, एबिलिटी इन पास्ट, यहाँ पे ये पूरा होता है। और ये इसमें आपके सेंटेंस इस पे भी ख़त्म हो सकते हैं, इस पे भी ख़त्म हो सकते हैं, और इस पे भी ख़त्म हो सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, कुड हैव का कहाँ पे यूज़ होता है। कुड हैव के देखिए दो यूजेस होते हैं यहाँ पे। एक होता है आपके पास हो सकता है, बेसिकली वी नो जब हमारे पास कोई चीज़ होती है वहाँ पे हम हैव वर्ड का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि इस वक्त मेरे पास ये ब्लू मार्कर है, तो इसको अगर मैं बोलूँगा तो आई हैव, आई हैव, हैव मैं यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ, हैव का मीनिंग होता है पास होना, जब आपके पास कुछ होता है। आई हैव दिस ब्लू मार्कर, मेरे पास इंग्लिश की नॉलेज है, आई हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश।
आपके पास बुक है, यू हैव बुक, आप इस वक्त आपके पास इस टाइम पे फ़ोन है, यू हैव अ फ़ोन। तो जो पास होने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ हैव, कुड हैव का मतलब पास होना, ठीक है, पास हो सकता, जब हमारे पास कोई चीज़ हो सकती है वहाँ पे भी हम कुड हैव का यूज़ करते हैं। समझने के लिए एग्जांपल पे भी हम आ जाते हैं। और दूसरा इसका एक यूज़ होता है सकता था, लेकिन ये आपका हाइपोथेटिकल वे में यूज़ किया जाता है, उस पर भी हम अभी बात करेंगे। वेल, उसके पास ये जवाब हो सकता था। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से मैं आप मेरे पास आते हो, बोलते हो यार उसके पास मैं हेल्प के लिए गया था लेकिन वो कुछ बता ही नहीं पाई, और मैं जानता हूँ वो आपकी हेल्प कर सकती थी क्योंकि उसे पता है सारी चीज़ें। नहीं नहीं, उसके पास आपके सवालों का जवाब हो सकता था, उसने जानबूझ के नहीं दिया। तो जब ये कॉन्वर्सेशन आती है तो आप उसको कुड हैव से ट्रांसलेट करते हो, ठीक है। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यू कुड उसके पास, सॉरी शी कुड हैव उसके पास ये जवाब हो सकता था, शी कुड हैव दिस आंसर, शी कुड हैव दिस आंसर उसके पास ये जवाब हो सकता था, ठीक। अब यहाँ पे देखिए मेन वर्ब एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, जैसा कि अगर आप देखिए मेन वर्ब वैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नॉर्मली आपका शी हो गया सब्जेक्ट, कुड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, हैव भी आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, बट जो हैव है ना वही एक एज अ मेन वर्ब कह सकते हैं आप काम करती है, आंसर तो आपका ऑब्जेक्ट में जा रहा है। आगे देखते हैं दूसरा आपका क्या है, मेरे पास 50,000 रुपये नहीं हो सकते थे, ठीक है, मेरे पास 50,000 रुपये नहीं हो सकते थे। सो आई निगेटिव में क्या लगाएंगे, अब फॉर्मूला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कुड निगेटिव में, कुड के बाद आप लगा दोगे नॉट, नॉट के बाद हैव, फिर आप लास्ट में ऑब्जेक्ट रख दोगे। आई कुड नॉट हैव कितने रुपए, 50,000, आई कुड नॉट हैव 50,000 रुपीज, मेरे पास 50,000 रुपये नहीं हो सकते थे, मैं जॉब नहीं कर रहा था या मैं स्टूडेंट था तो मेरे पास इतना पैसा नहीं हो सकता था, आई कुड नॉट हैव सच मनी सच अमाउंट। इंट्रोगेटिव पे आते हैं, क्या उनके पास कोई और ऑफर हो सकता था, ठीक, अब उन्हीं के होने की बात हो रही है, क्या उनके पास कोई और ऑफर हो सकता था, उनके पास के मतलब होता है दे, ठीक है। अब बट ये इंट्रोगेटिव है तो कुड को हम पहले कर देंगे, फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है, आप इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, कुड फिर हमने लिखना है सब्जेक्ट, कुड दे फिर लिखना है हमें हैव, कुड दे हैव क्या हो सकता था, क्या उनके पास कोई और ऑफर, कुड दे हैव एनी अदर ऑफर, कुड दे हैव एनी अदर ऑफर, क्या उनके पास कोई और ऑफर हो सकता था, क्या उनके पास कोई और जवाब हो सकता था, कुड दे हैव एनी अदर आंसर, क्या उनके पास 10,000 रुपये हो सकते थे, कुड दे हैव 10,000 रुपीज, क्या उनके पास एक अच्छा जवाब हो सकता था, कुड दे हैव अ सेटिस्फाइंग आंसर, कुड दे हैव अ बेटर आंसर। तो इस तरीके से आप इन कॉन्वर्सेशन को ट्रांसलेट करते हो। लास्ट WH का भी एक बना लेते हैं, तुम्हारे पास 1,00,000 रुपये कैसे हो सकते थे भाई, क्या करते हो आप जो 1,00,000 रुपये आपके पास हो सकते थे। सो वहाँ पे क्या, तुम्हारे पास 1,00,000 रुपये कैसे हो सकते थे, ये WH का है, कैसे को हम सबसे पहले ही लिख देंगे हाउ, ठीक। उसके बाद हमें लिखनी हेल्पिंग वर्ब आपकी हो गई कुड, हाउ कुड, अब तुम्हारे पास यानी कि यू, हाई हाउ कुड यू, फिर हेल्पिंग वर्ब आप हैव लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब कह लो या मेन वर्ब कह लो, हाउ कुड यू हैव कितना, 1,00,000, हाउ कुड यू हैव 1,00,000 रुपीज, तुम्हारे पास 1,00,000 रुपये कहाँ से हो सकते थे, तुम्हारे पास यू नो ये जवाब कैसे हो सकता था, हाउ कुड यू हैव दिस आंसर, उसका नंबर कैसे हो सकता था, हाउ कुड यू हैव हर नंबर, हाउ कुड यू हैव हिज नंबर, इस तरीके से आप ये सेंटेंस भी बना सकते हो। अब इसका दूसरे लेवल पे आते हैं, जो इसका दूसरा यूज़ है सकता था, बट हाइपोथेटिकल वे में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है आपका, जब आप किसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए अपने वर्बली कॉन्वर्सेशन में एक अज्यूम करते हो कुछ कि ये हो सकता था ये नहीं हो सकता था, यहाँ पे आप अज्यूम कर रहे हो चीज़ों को। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉरी तुम उसकी बात मान सकते थे, यहाँ पे देखिए ना क्या हम प्रेशर डाल रहे हैं अपनी स्पीच पे, एक तुक्का मार रहे हैं, तुम उसकी बात मान सकते थे तुमने पर नहीं मानी, एक्चुअली में वो चीज़ हुई नहीं है या फिर हो गई, लेकिन आप उसके ऑपोजिट पहलू पर जोर डाल रहे हो, किसी ने किसी की बात नहीं मानी है पर यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम उसकी बात मान सकते थे, तुम ये कर सकते थे बट तुमने एक्चुअली में किया नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको,
आप इसका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगी और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट को यूज़ करोगे। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसके हिसाब से चलिए ट्रांसलेट करते हैं। तुम उसकी बात मान सकते थे, यू कुड हैव। अब बात मानना क्या होता है, बात मानना इज़ बेसिकली यू कैन रिस्पेक्ट हर वर्ड्स, यू कैन ओबे हर वर्ड्स, ठीक है। तो मैं रिस्पेक्ट यहाँ पे ज्यूम कर लेता हूँ, रिस्पेक्ट आपकी हो गई वर्ब, थर्ड फॉर्म यूज करनी है, रिस्पेक्टेड कर दिया। यू कुड हैव रिस्पेक्टेड हर, बात मानना, यू कुड हैव रिस्पेक्टेड हर वर्ड्स, आप उसकी बात मान सकते थे, आप वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर, इसका मतलब कोई वहां पे नहीं गया लेकिन हम बोल रहे हैं आप वहां पे जा सकते थे। अब जैसे कि पार्टी में आपको किसी ने इनवाइट किया या आपने किसी को किसी अपनी पार्टी में इनवाइट किया और वो पर्सन नहीं आया, वो बोलते यार मैं बहुत बिजी था, यू नो इस वजह से नहीं आ पाया, तो आप क्या बोलोगे, यार तुम मेरे फ्रेंड हो, अगर आना चाहते तो तुम आ सकते थे, यू आर माई फ्रेंड, यू कुड हैव कम बट यू डिडंट कम, यू डिड नॉट कम। तो इस तरह से इस कॉन्वर्सेशन को आप वहाँ पे ट्रांसलेट करते हो। नेक्स्ट है आपका, वह तुम्हारा वेट कर सकती थी, एक्चुअली में उसने किया नहीं बट कर सकती थी, तो शी कुड हैव वेटेड, वेट लिखा और थर्ड फॉर्म कर दी वेटेड, शी कुड हैव वेटेड किसका, तुम्हारा, फॉर यू, शी कुड हैव वेटेड फॉर यू, वो तुम्हारे लिए इंतज़ार कर सकती थी, तुम्हारा इंतज़ार कर सकती थी। नंबर थ्री, वह मेरा मित्र हो सक, अब यहाँ पे देखिए आपके जो ये है ना, इसका सेकंड यूज़ है वो मेरा पूरा हो गया है। अगर इनमें आपका निगेटिव आता है तो फॉर श्योर कुड नॉट आपका हो जाएगा, कुड के बाद आप नॉट लगा दोगे, और अगर इंट्रोगेटिव है तो कुड को आप पहले कर दोगे। मूविंग ऑन टू द लास्ट यूज़ ऑफ दिस कुड, यहाँ पे कुड के साथ बी लग जाता है और बी को हम जानते हैं बी का मतलब भी होना होता है हिंदी में, ठीक है। सो कुड बी का मतलब क्या होता है, तुम हो सकते थे। अब इसको कैसे यूज़ करना है, वो मेरा मित्र हो सकता था, जब आप यहाँ पे ऐसा सोचते हो कि पास्ट टेंस में ये चीज़ हो सकती थी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यू नो साइंस में बहुत ज़्यादा ध्यान हो दिया होता तो आज मैं डॉक्टर हो सकता था। तो यहाँ पे हम पास्ट में कुछ जाके ऐसा सोचते हैं, मैं ये हो सकता था, मैं ये बन सकता था। तुम अगर एक्टिंग में थोड़ी बहुत और मेहनत कर लेते तो आज तुम एक्टर हो सकते थे, ठीक है। सो मतलब जो होने वाली चीज़ है ना वो हो चुकी होती, आप बन चुके होते। तो यहाँ पे क्या आप यूज़ करोगे, जैसे वो मेरा मित्र हो सकता था, अगर उसने ये हरकत ना की होती तो वो मेरा दोस्त हो सकता था, बट अभी कोई चांस नहीं है। सो ही, फॉर्मूला इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बी प्लस लास्ट में जो पर्टिकुलर चीज़ होने वाली है वो आप लिखोगे। ये फॉर्मूला स्क्रीन पे लिखा हुआ है और यहाँ पे भी कोई वर्ब वगैरह ऐड नहीं होगी, मेन वर्ब नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब तो है। ही कुड बी किसका, मेरा मित्र, माई मित्र मतलब फ्रेंड, ही कुड बी माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त हो सकता था। अब इसी चीज़ को देखिए हम प्रेजेंट में बोलते हैं, तुम मेरे दोस्त हो सकते हो, यू कुड यू कैन बी माई फ्रेंड, वो मेरा भाई हो सकता है, ही कैन बी माई ब्रदर, यार वो मेरी दोस्त भी तो हो सकती है, शी कैन बी माई फ्रेंड एज वेल। तो उसी कैन बी को हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे कुड बी के अंदर, ही कुड बी माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त हो सकता था, ही कुड बी माई एनिमी, वो मेरा दुश्मन हो सकता था, ही कुड बी माई रिलेटिव, वो मेरा रिश्तेदार हो सकता था, यू कुड बी माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो सकते थे, यू कुड बी स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो सकते थे, यू कुड बी गुड इन इंग्लिश, तुम इंग्लिश में अच्छे हो सकते थे, यू कुड बी गुड इन मैथ्स, तुम मैथ्स में अच्छे हो सकते थे, एटसेट्रा। उसकी इंग्लिश बेहतर हो सकती थी, अब यहाँ पे भी हम पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, और उसकी इंग्लिश बेहतर हो सकती थी, उसकी मतलब हर, ठीक है। अब लड़की है तो आप हर लगाओगे, लड़का है तो हिम हिज लगाओगे, ठीक, हर या हिज ज़ूम कर लिया, हिज इंग्लिश कुड बी, अब बेटर बेहतर का मतलब हो गया आपका बेटर, हर इंग्लिश कुड बी बेटर, His English could be better. उसकी English बेहतर हो सकती थी। तो यहाँ पे ये आपके sentences ख़त्म हो गए, ये sentence आपके पूरे हो गए। I hope आपको तीनों ही तरह के जो uses है वो समझ में आ गए होंगे। Could का जो use है normal, जहाँ पे आप जिसका formula ये लिखा हुआ है, सका, पाया, सकता था। Ability की हम बात करते हैं past में, could have के दो तरह के use होते हैं, जब कोई चीज़ pass हो सकती है, यहाँ पे
उसके हिसाब से हमने ये करा है, जैसे कि शी कुड हैव दिस आंसर, आई कुड नॉट हैव 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम मेन वर्ब नहीं यूज़ करते हैं, और सकता था ये आपके हाइपोथेटिकल वे में होता है। यहाँ पे आप वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो। और कुड बी भी जब कोई चीज़ हो सकती थी, यहाँ पे पास हो सकती है, यहाँ पे नॉर्मल हो सकती है, यहाँ पे भी कोई भी मेन वर्ब नहीं यूज़ हो रही है, सिर्फ आप डायरेक्टली लास्ट में नाउन वगैरह रख रहे हो, जो चीज़ आप हो सकते हो। सो दिस इज़ हाउ वी हैव डन इट। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, इस तरह के सेंटेंसेस को अच्छे से यूज़ कर लेंगे। अपनी तरफ से आई वॉन्ट यू टू मेक 10 or 15 सेंटेंसेज। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन। If this video has helped you, so please like the video, and if you haven't subscribed the channel, please subscribe this channel. Thank you for giving me your time. Have a nice day.